हेलो फ्रेंड्स, आज है छुट्टी का दिन और मेरी नींद आज जल्दी खुल गई थी और बाहर जाके देखा तो एकदम ठंडा मौसम हो रहा था और थोड़ी देर में दोपहर को हो जाएगी तेज़ गर्मी। इस टाइम पे मैं मॉर्निंग वॉक पे गई होती हूँ लेकिन आजकल कोल्ड की वजह से मॉर्निंग वॉक नहीं मैं जा पा रही। खैर, ये दोनों तो आराम से सो रहे थे हमेशा की तरह और उठाना इनको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। खैर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने कुछ पेंडिंग काम निपटाए और उसमें से एक काम था घी निकालने का। काफ़ी टाइम से मलाई पड़ी हुई थी तो मुझे उससे बटर और फिर घी निकालना था। मैक्सिमम पेंडिंग काम हमें आज ही निपटाने हैं। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और हमेशा की तरह हमें कंटिन्यू करना है अपना भारत दर्शन। इंडिया की एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलना है। टिकट्स, होटल एक्सेट्रा सब कुछ ऑलरेडी बुकड है और कल स्टार्ट कर देनी है पैकिंग। खैर, मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही बढ़िया तरीके से बटर निकल जाता है तो बस उसी से मैंने बटर निकाला। थोड़ा सा बटर अलग कर दिया था क्योंकि आज नीर को खाना था अपना फेवरेट आलू पराठा, तो उसके साथ के लिए मैंने थोड़ा सा वाइट बटर अलग कर दिया। आलू पराठे में आज मैंने डालने का सोचा था साबुत धनिया, थोड़ा सा उसे भून के और फिर क्रश करके। घी का काम ऑलरेडी फिनिश हो गया था तो बस फटाफट से मैंने स्टार्ट कर दी थी स्टफिंग प्रिपेयर करना आलू पराठे के लिए। स्टफिंग के लिए सारे बेसिक मसाले मैंने यूज़ करे थे लेकिन थोड़ा सा डाल दिया था प्याज, अदरक, कसूरी मेथी, साबुत धनिया क्रश किया हुआ और साथ ही में फ्रेश धनिया। वाइट बटर मिलेगा ना आलू पराठे? दोनों मिलेंगे, वाइट थोड़ा सा ही है, थोड़ा ही है ना, थोड़ा थोड़ा सब लेंगे। तो एक काम करना, मेरे को थोड़ा सा पहले वाइट बटर दे देना पहले पराठे पे, अगर पहले पराठे भी खत्म हो जाए तो फिर येलो देना, उसके बाद नेक्स्ट पराठे पे वाइट। अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर मत यूज करना ना। ठीक है, कहाँ पे आपने वाइट बटर खाया था लास्ट, मेरे को याद करना है तो। वाइट बटर मूर्थल पे। हाँ, मूर्थल पराठा पे, वैसे वही वाला वाइट बटर है। हाँ, वो पसंद है उधर का बटर। नीर की आधी इंस्ट्रक्शंस मैंने सुन ली और आधी कर दी थी मैंने इग्नोर और बस फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दिया था आलू पराठा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ रेडी था, बस स्टफ़ करना था और पराठे बनाने थे। पिज़्ज़ा कटर यूज़ करके पराठे को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, थोड़ा ईजी हो जाता है खाना। सबसे पहले ब्रेकफास्ट मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था और उनको भी वाइट बटर ही पसंद है तो वाइट बटर के साथ दिया था और फिर नीर की प्लेट कर दी थी रेडी। आलू पराठे से एकदम उलट लंच में मैंने सबके लिए बना दी थी थोड़ी थोड़ी दाल खिचड़ी। गरम है अभी, ठीक है। ये सॉक्स ही रखी है, सॉक्स उधर रखो, मैं अभी अंदर रखती हूँ, पीछे पड़ी है आपके सॉक्स। खा लो, खुद खा लेना, पानी में दे देती हूँ, बैठ के खाओ पहले आप। अच्छा ठीक है, खा लेना, ठीक है, पानी ला रही हूँ मैं। पढ़ाई कब करने का प्लान है आपका? कोई जवाब नहीं। प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, कभी नहीं बनेगा तो। मेरी आवाज़ देख लो कितनी ख़राब होगी कोल्ड से, मैं बार बार बोलूँगी भी नहीं आपको, जो डांट पड़नी है पड़े। बस मेरे पास फ़ोन नहीं आना चाहिए मैम का, मैं पहले बता रही हूँ। जो करना है कर लो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ख़त्म करा, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। ब्रेकफास्ट था नीर और उसके पापा के नाम उनके मनपसंद का आलू पराठा विद वाइट बटर बन गया था और लंच में मैंने बना दी थी अपनी फेवरेट दाल खिचड़ी। किसका मतलब पूछना? असुर महायुद्ध कष्ट का मतलब। असुर का मतलब राक्षस, कष्ट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो आपको उसको कष्ट है। जैसे सारा दिन घर के पेंडिंग काम निपटा के और साथ ही में थोड़ा रेस्ट करके हो गया था डिनर का टाइम और डिनर की पूरी तैयारी करी थी मेरे हस्बैंड ने, पूरी कटिंग से लेके टिक्कीज को फ्राई करना एयर फ्रायर में और फिर फाइनली बर्गर बना देना, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई थी आज। बर्गर बनाते वो सिंपल तरीके से हैं लेकिन उसमें थोड़ी डिफरेंट सॉसेस का यूज़ करते हैं। एक तो उन्होंने यूज़ करी थी तंदूरी सॉस और साथ ही में इसमें डाल दिया था उन्होंने चिली टोमेटो सॉस। और सही में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे बर्गर लेकिन इसको फाइनली टेस्ट करके जिसने बताना है वो है नीर, तो बस सबसे पहले उसी के पास पहुंची प्लेट। बताना जरा आपने क्या अभी तक हेल्प करी है, बोलो, तंग करने के अलावा। मैंने कौन सा तंग किया बताओ? तो आप हेल्प क्या कर रहे हो? पापा तो बर्गर बना रहे हैं, कुछ डिनर की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग? खाना बनाने वाला मैं हूं। आप क्या हेल्प कर रहे हो ये भी तो बता दो जरा। मैं क्या हेल्प करूँ आपकी जब आपको मेरी हेल्प करना चाहिए? मैं क्यों हेल्प करूँगी, बीमार मैं हूँ? आप सॉस इसके अंदर ही सब कुछ इसके अंदर है, खा के देख लो, आटे वाले बर्गर हैं डिफरेंट, ठीक है। रात को सोने से पहले सबके लिए मैंने बना दिया था हल्दी वाला दूध लेकिन नीर को पिलाना एक और टास्क है। लाइट ऑफ करके आओ, जाओ नीर। Ha ha ha!
लाइट बंद करके आओ। तो बस ऐसे ही ना आज का दिन, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़े पेंडिंग काम निपटाए और नीर के साथ की मस्ती।